नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी के विवादित प्रश्नों के बारे में, जो यूपीटीटी 2019 जो कि कल 8 जनवरी 2020 को संपन्न हुई है, उसके विवादित क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन बताऊँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ठीक है, इसका जो सही आंसर है 36 मिनट है। कुछ लोग 45 मिनट करके आए हैं, 45 मिनट हालांकि गलत है, बाकी देख लीजिएगा जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी या आयोग डिसाइड करेगा वही आंसर सही माना जाएगा, लेकिन 99% ये 36 मिनट सही होगा। ठीक है, इसके आगे बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन के, प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों मैकडूगल है, कुछ लोग मैस्लो करके आए हैं, मैस्लो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो ये सही इसका आंसर है गिलफोर्ड, कुछ लोग जो वुडवर्थ किए हैं, तो वुडवर्थ जो है दोस्तों गलत आंसर है। ठीक है, गिलफोर्ड इसका सही आंसर है, जिन्होंने गिलफोर्ड किया है उनको 1 मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने वुडवर्थ किया है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इसका सही आंसर है सामान्यीकरण, कुछ लोगों ने प्रस्तुतिकरण किया है, हालांकि ये क्वेश्चन विवादित है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% सामान्यीकरण ही सही है, इसका हो सकता है प्रस्तुतिकरण भी सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से सामान्यीकरण सही होगा और ये क्वेश्चन विवादित है, हो सकता है इसमें बराबर मार्क्स भी दिए जाएँ, बाकी ये डिसाइड करेगा PNP कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से लंबवत है, जिन लोगों ने उत्तरोत्तर उत्तल किया हुआ है तो उसको देख लीजिएगा क्या आयोग क्या सही मानता है, लेकिन लंबवत सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन जितने क्वेश्चन बताएं ये सारे क्वेश्चन विवादित हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन लोगों को सही लग रहे हैं, तो हो सकता है कि आयोग इनमें समान मार्क्स दे, बाकी अभी देख लिए देखिएगा रिव्यू लिया जाएगा जब आपसे आपत्तियां ली जाएंगे और आपत्तियों के आधार पर ही आगे कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको इसी तरह के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।